तुम्हें पता है हर बदलते दिन के साथ तुम मजीद खूबसूरत होती जा रही हो। ऐसा नहीं है बल्कि हर बदलते दिन के साथ हमारा प्यार और बढ़ता जा रहा है। राबिया तुम जानती हो हम दोनों की फैमिलीज कैसी हैं। मैं समझ गई। वेल थैंक यू फॉर योर टाइम। राबिया प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, इतना आसान नहीं है मेरे लिए। मुझे लगा था तुम अरहाम जैसे नहीं हो लेकिन अफसोस तुम ही। राबिया आई एम वेरी सॉरी, प्लीज डोंट डू दिस। अमीन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता। और मुझसे छुपाकर इस मसले का हल मिल गया तुम्हें? असलम को फोन कर रही हूँ, शायद वो उठा नहीं रहा। जाकर उससे कहो कि शाम को हम बैठेंगे कोई फैसला करेंगे। ओहो चिकन कोरमा, और मटन गोश्त। इतनी तारीफें कर रहे हो, खाना शुरू भी करो। माशाल्लाह तुम्हारे हाथ में बड़ा लज्जत है भाई। अब भी ना हो, अब तो बेटा इतना अच्छा कमा रहा है। फहाद ने जो पैसे भेजे थे वो बदलवा लिए तुमने चेंजर से? नहीं अभी नहीं। अरे बेवकूफ औरत, मार्केट चढ़ने वाली है इसलिए रोक लिया मैंने। अरे मार्केट के चक्कर में ना कहीं पैसे इधर उधर ना हो जाए, 80-90 हज़ार का नुकसान हो जाएगा। मुझे तो जूसर भी रहना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। नया क्या करना है तुम्हें, पुराने से काम चला दो। पुराने से नहीं होता ना काम, नया आएगा तो जरा हाथ बढ़ जाएगा मेरा। ला देंगे ला देंगे। इस वक्त रिश्ते की बात की तो ये सोचेंगे कि पैसा आते ही रवैया बदल गया। हाय ये यहाँ कैसे? रिफत आपा आइए ना। अरे यहाँ क्यों खड़ी है, अंदर आए ना। आजे आजे। अरहाम ने जो किया सो किया, मगर अरसाम मैं तुम्हें पीछे नहीं हटने दूंगी। इस बार मैं ही जीतूंगी। तड़पोगे तुम मेरे साथ के लिए तुम्हें मजबूर कर दूंगी मैं। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। अरे रिफत आपा आई हुई हैं, जाओ जल्दी से फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक ले आओ। अरे नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है रहने दो। वो फहद ने ना बहुत पैसे भेजे हमें, अब पिछले महीने तो इतने पैसे भेजे कि हमने तो फ्रिज भी ले लिया, और अगले महीने इंशाल्लाह गाड़ी भी ले लेंगे हम। आप यहाँ आई रिफत आपा, बहुत अच्छा लगा। अब कुछ लीजिए ना। नहीं मैं खाना खा कर। हाँ तो कहाँ थी मैं? अरे हाँ फहद पर मैं बता रही थी ना, घर की सारी जिम्मेदारियों से संभाल ली। आप तो दोनों बहनों की शादी भी करवा रहे हैं। हाँ ये खुद आ नहीं पाएगा, लेकिन रिश्ते बड़े अच्छे मिल गए हमें, पता है ना आपको। अच्छा भाई मैंने सोचा कि तुम लोग तो आओगे नहीं, खुद ही चली जाओ। वैसे भी छोटे चाहे कितने ही नाफरमान हो, उन्हें माफ करने की जिम्मेदारी बड़ों की होती है। क्या करूँ, खानदान की बड़ी जो है सबको साथ लेके चलना ही चाहिए।
आपा आप बिल्कुल सही कह। भाई बातचीत चलती रहे तो मुश्किलों के हल भी निकल ही आते, और मेरा ख्याल ये कि हमें अपनी पुरानी रंजिशों को भुला के आगे चलना चाहिए। चलो चलती हूँ, इसी रोज आना हमारी तरफ। अरे आपा कैसी बात कर रही है, आप हुक्म करें आपा जरूर आएंगे। अब हुक्म करने की क्या जरूरत है, अपना ही घर है, कभी भी आ जाना। अरे थोड़ी देर और बैठती, कुछ खा के चली जाती। नहीं नहीं बस मैं घर ही जाके खा लूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा आपा आइएगा फिर। ये क्या लेने आई थी यहाँ पे? हाँ कह दिया होगा ना किसी ने कि हमारे दिन फिर गए, सू लेने आई होगी, अल्लाह ने कहीं ज्यादा तो नहीं दे दिया हमें इससे। एक तो लोगों से दूसरों की खुशी और तरक्की बर्दाश्त नहीं होती। नहीं मेरी प्लेट कहाँ रख दी, मुझे भी तो खाना है ना। ऐसा करो पानी लेके आओ। अच्छा हाँ भूल गई। अरसाम आओ यहाँ बैठो। जी भाभी। हाँ बोलो क्या कहना चाह रहे थे। भाभी वो बात तो आप जानती हैं मगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड। क्यों लड़की वाले मना कर रहे हैं क्या? नहीं घर में बात करने से पहले दूसरे मामला सॉल्व होना ज्यादा जरूरी। तुमने बताया था कि मैं उसे जानती हूँ राइट, लेकिन तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फ्रेंड को मैं कैसे जान सकती हूँ? नाम क्या है उसका? अभी दरअसल वो लड़की। हाँ फायजा भाभी बैठे। वैसे तुम लोग कोई प्राइवेट बात तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं। मैं जरा फ्रेश हो गया। अरे ऐसा क्या हो गया अचानक से, अभी तो आराम से बैठे हुए थे मेरे आते ही। भाई मजाक कर रही हूँ, तुम्हारी तो शक्ल देखने वाली हुई है। वैसे तुम दोनों क्या बात कर रहे थे? अब मनाहिल तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो, अगर छुपाना चाहो तो ना बताओ। वो भाभी और शाम को कुछ रिसर्च करनी थी। एक्चुअली मैं मनाहिल भाभी से पूछ रहा था कि फारिग वक्त में मेरी हेल्प कर दीजिए। अच्छा वैसे मुझे इन चीजों का इतना तो नहीं पता, लेकिन कभी मुझसे भी हेल्प मांग लिया करो। ठीक है भाभी अब मैं जाऊं। हाँ ठीक है तुम जाओ। कौन सी किताब पढ़ रही हो? अच्छा लो भाई इनमें से अच्छे अच्छे सूट पसंद कर लो। अम्मी प्लीज ये ले जाएं वापस। क्यों बेटा क्यों ले जाऊं, अभी तुम फारिग हो, देख लो तुमने कौन सा टाइम लगाना है। प्लीज अभी मुझे नहीं देखने है। पर अभी क्यों नहीं देखने? अम्मी आप क्यों हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है? मैं पीछे पड़ी रहती हूँ? अगर मैं ना हूँ ना तो कौन तुम्हारी फिक्र करेगा? बात करूँ तो काटने को दौड़ती हो। मैं माँ हूँ तुम्हारी, कोई दोस्त नहीं हूँ कि जब मूड किया तो बात कर ली और जब मूड ना हुआ तो ना की। पकड़ाओ इधर मुझे। अरसाम तुमसे झूठ बोल रहा था ना? क्या भाभी अरसाम की बात कर रही हूँ, तुमसे काम के हवाले में झूठ बोल रहा था ना? नहीं भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो फिर कैसा शक्ल देख के तो मैं भी समझ सकती हूँ। आपकी बात सही है भाभी, लेकिन सच में मुझे कुछ नहीं पता। उसने बताने से मना किया होगा। कोई बात नहीं मैं समझ सकती हूँ, बड़ी हूँ ना। सॉरी भाभी
मेरा ऐसा कोई भी मकसद नहीं था कि आपको बुरा लगे, बस वो ये बता रहा था कि वो एक लड़की को पसंद करता है। सच? जी, पर इससे ज्यादा कोई बात नहीं हुई हमारी। समझ सकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मैच हो आ गई थी। हाँ सना बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ अम्मी। अच्छा भाई, मैं तो अभी फहद के घर से होकर आ रही हूँ। आप सच में वहां गई थी? हाँ, वहां तो सब कुछ बदल गया, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया। अम्मी, आप मेरे रिश्ते के लिए गई थी ना? देखो बेटा, एक रिश्ता पहले उलझा हुआ है, पहले उसको सुलझा ले, फिर तुम्हारे रिश्ते की बात भी करो। और वैसे भी अचानक तुम्हारे रिश्ते की बात करना मुझे मुनासिब नहीं लगता। आज मैं गई थी, यूं ही आती जाती रहूंगी तो आहिस्ता आहिस्ता रिश्तों के दरमियान खड़ी बर्फ की दीवार भी बिखर जाएगी। फिर करूंगी तुम्हारे रिश्ते की बात। अम्मी, हम इस मामले को यहीं खत्म कर देते हैं। असलम भाई अपने की पे बहुत शर्मिंदा है, आइंदा ये ऐसा नहीं करेंगे। मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी नौबत आई। मैं समझता हूँ अम्मी, लेकिन हालात इंसान से कभी भी कुछ भी करा सकते। लेकिन सिर्फ हालात को कसूरवार ठहराना भी ठीक नहीं है। जी अम्मी, लेकिन असबाब तो आप भी जानती हैं। मिनाहिल, कुछ कहना है तुम्हें? नहीं, मैं तो बस ऐसे। तुम एक काम करो, अंदर कमरे में जाके वेट करो, मैं वहीं पर आता हूँ, हम यहाँ जरूरी बात कर रहे हैं। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा, प्लीज मुझे माफ कर। प्लीज अम्मी, अब्बू की खातिर, मेरी खातिर। ठीक है, इस बार तुम ऐसे एक बुरा ख्वाब समझ के भूल जाओ, लेकिन आइंदा अगर कुछ ऐसा हुआ तो मुझसे तवक्को मत रखना कि मैं माफ करूंगी। असलम? हाँ। वो पैसे कहाँ हैं? पैसे? कौन से पैसे? बताऊँ कौन से पैसे? कहते हैं कि दीवारों के भी कान होते हैं, ऐसा ना हो कि मैं कुछ बोलूं और घर के बाकी लोगों को भी कुछ पता चल जाए। तुम्हें कैसे पता चला? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। बता दूंगा यार, पहले ये बताओ तुम्हें किसने बताया? मैंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि इसकी नौबत आई। मैं समझता हूँ अम्मी, लेकिन हालात इंसान से कभी भी कुछ भी करा सकते। लेकिन सिर्फ हालात को कसूरवार ठहराना भी ठीक नहीं है। मैं पहले ही बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ। बताओ ना फैजा, किसने बताया तुम्हें? मिनाहिल ने बताया था। मिनाहिल ने तुम्हें? लेकिन अरहाम ने तो किसी को नहीं बताया। अरहाम सिर्फ ड्रामा कर रहा है घर में कि किसी को नहीं बताया, उसने तो मिनाहिल को बहुत पहले बता दिया था। खुदा जाने क्या करना चाह रहा है। वैसे
मेरे ख्याल से अरहम आपके साथ डबल गेम खेल रहा है। सबके सामने अच्छा बनना चाह रहा है और अंदर से यही कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से भी आपको बिजनेस से फारिग करवाया जाए। अरहम, आप मुझसे नाराज हैं। I'm so sorry. मैं नाराज हूँ तुमसे? अरे नहीं नहीं, सॉरी तो मुझे कहना चाहिए। वो नीची भाई और अम्मी के सामने मैंने तुम्हें वैसे जाने का कह दिया, अगर मेरी वो बात बुरी लगी तो I'm sorry. अरे नहीं नहीं, आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। दरअसल मुझे अच्छा लगा आपका इस तरह से बात करना, मुझे इस तरह से कायल करना। मैं बहुत खुश हूँ मिनाहिल। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो तुम बहुत अच्छी हो। इतनी अच्छी हो कि ऊपर वाले का मैं जितना शुक्र अदा करूँ कम होगा। ना जाने मेरी कौन सी नेकी थी कि अल्लाह पाक ने तुम्हें मेरी किस्मत में लिख दिया। मेरे साथ साथ इस घर की भी तमाम जिम्मेदारियां तुम समझने लगी हो। अगर अम्मी के बाद मैं किसी से उम्मीद रख सकता हूँ तो वो तुम होगी। मैं आपके लिए कॉफी लेके आऊं? नहीं, बस यूं पास बैठी रहो, मुझे अच्छा लग रहा है। राबिया, तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो? अरे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन मुझे तो करनी है, प्लीज। देखो अगर कोई मसला है तो बात करो। और मुझे ये समझ नहीं आ रही कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो। मैंने कहा मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, और अब बात करने को कुछ बचा भी नहीं है। बहुत कुछ है, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। प्लीज डोंट डू दिस। अरसाम देखो तुम बहुत अच्छे हो, पर आई एम जस्ट नॉट रेडी फॉर दिस। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि आसान नहीं होगा। राबिया मैं बस कभी खुद को मेरी जगह रख कर देखो, फिर कहना मैं सही थी या गलत। राबिया मुझे बस थोड़ा वक्त, दैट्स इट। वक्त? किसी को पाने के लिए एक लम्हा, एक पल ही काफी होता है। अरसाम क्या मैं तुम्हारा यूं ही इंतजार करती रहूंगी? और तुम भी एक दिन आकर मुझे कह दो कि I'm sorry, मैं थोड़ा जज्बाती हो गई। प्लीज राबिया मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं दूँ। अब तो मुझे इस उम्मीद से ही डर लगने लगा है। अच्छा लिसन, मैं बात कर। तुमने पहले भी यही कहा था। राबिया मैं आज ही घर जाके बात करूंगा, I promise. Fine. तुम चाहते क्या हो? हाँ क्या हुआ भाई? एक तरफ तो मेरी साइड लेते हो और दूसरी तरफ मेरे पीछे साजिश करते हो। अरे मैं क्यों साजिश करूंगा आपके खिलाफ? आप खुलकर बोले। अच्छा तो फिर तुमने मिनाहिल को सब कुछ क्यों बताया? मिनाहिल? मेरी तो मिनाहिल से कोई। देखो अरहम, जो करना है सामने करो, मेरे पीठ पीछे करने की जरूरत नहीं है। मेरा यकीन करें असलम भाई, मैंने मिनाहिल को कुछ नहीं बताया, वो आपके बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं जानती, तभी उसने फायजा को सब कुछ बता दिया। मिनाहिल ने फायजा भाभी को बताया? मुझे यकीन नहीं आता रहा। एक तरफ तुम अम्मी से मेरी माफी के बात करते वक्त मिनाहिल को बीच में बैठने नहीं देते कि यह हमारे आपस की बात, और दूसरी तरफ तुमने उसको सब कुछ बता दिया। इससे तो अच्छा था तुम मुझे सबके सामने जलील कर देते, पुलिस केस कर देते मुझ पर।
ये बात तुम्हें सिर्फ अपने तक रखनी चाहिए थी, तुमने जाके फायजा भाभी को बता दिया। मेरा यकीन कीजिए अरहम, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं तो जानती भी नहीं कि आप किस हवाले से बात कर रहे हैं। बंद करो ये काम, और खबरदार जो आइंदा ऐसा कुछ किया। कौन है वो लड़की? वो मैं पूछ रही हूँ, कौन है वो लड़की? अम्मी, लड़की, वो लड़की राबिया है।